गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स की। देखिए आज हम यहां पर अपना चैप्टर नंबर 3 यानी कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आज ये वीडियो आपका तीसरा वीडियो है। तो आज हम यहाँ पर इसके समरी पूरा देखेंगे और नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इसलिए भटक रहे हैं कि वो नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं। वो लोग ये वीडियो जरूर देखें ताकि उन लोगों को एक सही दिशा मिल सके और एक प्रॉपर वे में नोट्स भी तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर खेती और पशुपालन की शुरुआत, यानी कि जैसा कि इस चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी भोजन का हमने संग्रह किया फिर हमने धीरे धीरे करके उसे उत्पादन भी करने लगे। ठीक है, तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए आपको जैसा कि आपको पता होगा कि पहले का जो मानव था, से 20 लाख साल पहले का जो मानव था उसकी केवल और केवल एक ही नीड थी, केवल उसकी नीड थी भोजन। लेकिन कुछ समय जब बीतता गया तो उसे ऐसा ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं चलिए जो है भोजन का संग्रह भी किया जाए। उसने भोजन का संग्रह करना स्टार्ट किया। भोजन का संग्रह जैसे आज की तरह नहीं होता था, उनके हिसाब से कुछ अलग तरह से होता हुआ, यानी प्राकृतिक रूप से करते थे भोजन का संग्रह, प्राकृतिक रूप से फल फूल ठीक है अनाज वगैरह इस तरह से करने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर समझ विकसित हुई, उस अनाज का उन्होंने फिर से बोना स्टार्ट कर दिया। जब जैसे जैसे मतलब बोते गए उसे, जैसे जैसे उन्होंने अनाज को बोया, अनाज के बोने का उन्हें टाइम पता चला कि किस समय में अनाज हमें बोना है, कौन सी ऋतु में अनाज कौन सा अनाज हमारा हो जाएगा, ऐसे करके उन्हें जो है पूरा करके फिर सिस्टमेटिक प्रोसीजर उन्हें पता चलता गया कि हमें किस ऋतु में कौन सा अनाज बोना है, कौन सी फसल किस जलवायु के लिए बनी है। ऐसे करके धीरे धीरे ज्ञान होता गया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने खेती और पशुपालन की शुरुआत कर दी। ठीक है, देखिए यहां पर एक नोट करने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी यहां पर कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को इन्होंने पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखिए पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इन्होंने सबसे पहले जिस जंगली जानवर को अपना पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कुत्ते के जंगली पूर्वज को इन्होंने अपना पालतू बनाया। देखिए उसका रीजन था, कुत्ते को पालतू बनाने का रीजन ये था, देखिए कुत्ता एक जो है एक तरह से एक मतलब डिफेंडिंग करने वाला, यानी कि एक तरह से रक्षा जो है आपको रक्षा करने वाला एक प्राणी है, रक्षा करता है, वफादार है। साथ ही साथ आप उसे अपने साथ अगर ट्रेन कर रहे हैं अच्छे से तो जो आप जो काम करते हैं उनमें वो हाथ बटाता है, काफ़ी सारे उसमें गुण हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वफादार है। ठीक है, यानी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो यही रीजन था इन्होंने सबसे पहले अपने जो जंगली जानवर से पालतू बनाया वो था कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ते को अपने जंगली जानवर के रूप में इन्होंने अपना पूर्वज बनाया, यानी कि अपने जंगली पालतू बनाया कुत्ते को। देखिए इसके जो साक्ष कुत्ते के मिले हैं, कुत्ते के साक्ष जो मिले हैं वो एक दो कब्रों से मिले हैं, यानी एक दो कब्रों में जो है इंसानों के साथ कुत्ते को दफन किया गया, उससे इन्हें साक्ष मिले हैं कि सबसे पहले जंगली जानवर कुत्ते को पालतू बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड है यहाँ पे, इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने जो थे झुंड में रहने वाले जानवरों को जो है ज्यादातर घास, यानी झुंड में रहने वाले और ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को ही इन्होंने पशुपालन जो अपना धीरे धीरे अपना जो है पशुपालन के लिए इन्होंने रखा। यानी कि इन्होंने जो झुंड में रहने वाले जानवर थे और जो घास खाने वाले जो जानवर थे इन्होंने उन्हीं जानवरों को अपना जो है अपने पशुपालन के लिए रखा, पालतू बनाया उन्हें। ठीक है, उसका रीजन ये था कि घास खाने वाले जानवर होते हैं वो कम आक्रामक होते हैं, यानी कि वो आक्रामक इतने नहीं होते हैं जितने के मांसाहारी जानवर आक्रामक होते हैं। मांसाहारी जानवर को अगर भूख लगी है और उसे खाना नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो आपको भी मार के खा जाए, जबकि जो शाकाहारी प्रवृत्ति के जानवर होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है शांत स्वभाव होता है। तो यही रीजन था इन्होंने अपना जो पालतू पशु बनाए वो घास, ज्यादातर घास खाने वाले पालतू पशु बनाए। ठीक है, जो कि कम आक्रामक थे, इतने आक्रामक नहीं थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, झुंड में रहने वाले और ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया, जैसे भेड़ बकरी, यानी जैसे कौन कौन से, भेड़ बकरी गाय और सुअर। ठीक है, यानी कि झुंड में रहने वाले और ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया, जैसे भेड़ बकरी गाय और सुअर आदि। ठीक है, देखिए अब यहां पे थर्ड पॉइंट आप डालेंगे, थर्ड पॉइंट ये है यहां पे जो है ये है बसने की प्रक्रिया, यानी बसने की प्रक्रिया क्या होती है, ये थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, यानी कि बसना कहते नहीं है उसने घर बसा लिया अपना,
या उसने प्रॉपर जगह पे जाकर बस किया, वो फलानी जगह पे जाके बस गया, तो बसने की प्रक्रिया क्या थी? यानी कि लोग प्रॉपर रूप से अपने घर बना के रहने लगे, वहां पे उन्होंने अपनी फसल की खेती करने लगे, जानवरों को पालतू बनाया, वहां पर जानवरों की देखभाल करने लगे, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिया। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, अब यहीं पे सेकंड यानी कि इसी में जो है बसने की प्रक्रिया ही में अगला पॉइंट जो है इन्होंने अगला पॉइंट यहां पे जो है अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे। देखिए बसने की प्रक्रिया जो थी यानी बसने की प्रक्रिया जो थी करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, लगभग 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये भी आप लिख लीजिए। बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई, 12,000 पहले साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, करीब 12,000 पहले साल पहले शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया, तो ये आप इसके अंदर लिख लीजिए इस तरह से। थर्ड पॉइंट डालिए, यानी इसी में थर्ड में ही अगला पॉइंट आप डालेंगे। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने कृषि के लिए सबसे प्राचीन जो मतलब फसलें इन्होंने उगाई, कृषि के लिए सबसे प्राचीन जो फसलें उगाई उसमें इन्होंने सबसे पहले जौ, यानी जौ और चावल सबसे पहले उगाया। यानी कृषि के लिए सब अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने जो कृषि के रूप में जो फसलों का इस्तेमाल किया, कृषि के रूप में इन्होंने जो फसलें उपजाई उनमें जौ और गेहूं थे। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट आप डाल देंगे, यहां पर अगला पॉइंट आप डाल देंगे, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। यानी इन्होंने सबसे पहले कृषि के लिए गेहूं और जौ को चुना। ठीक है, ये भी आप डाल दीजिए। अब अगला पॉइंट इसमें डालेंगे, यहां पर अगला पॉइंट इसमें डालेंगे। देखिए अगला पॉइंट आप लिख चुके हैं, वैसे अगर डालना चाहें तो डाल दें, देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, आप दोबारा ना लिखें। इन्होंने देखिए इन्होंने भी सबसे पहले जो पालतू बनाया गया जानवर था इनका वो कुत्ता था, और उसके बाद इन्होंने भेड़ बकरी को अपना पालतू बनाया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद इन्होंने भेड़ बकरी को पालतू बनाया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया यहां पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी बसने की प्रक्रिया जो थी ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और कृषि की सबसे अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें जो होती थी इसमें गेहूं और जौ आते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख चुके हैं ऑलरेडी इसमें। अब चलिए अब आगे हेडिंग डाल देते हैं। एक तरफ आप देखिए दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ अनाज और हड्डियां और दूसरी तरफ पुरास्थल, यानी कि ये चीजें किस पुरास्थल से मिली हैं। देखिए ये इस जो है ये डायरेक्ट काफी बार पूछे जाते हैं, मतलब काफी बार हर एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, आपको इसे तैयार करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट है गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी, ये मिले हैं मेहरगढ़, यानी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, ये वहां से मिले हैं। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्ड हवा, ये उत्तर आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं, कोल्ड हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अगला है यहाँ पे चावल और मवेशी, यानी मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा, ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, ये यहां से मिले हैं। देखिए अब आपको इसे याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, याद करने का ट्रिक ये है कि चावल दोनों जगह, जो चावल वाला दोनों जगह स्थान है वो यूपी में ही है। ठीक है, देखिए यहां पर आप काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सब में गेहूं जौ भेड़ बकरी भरे पड़े हैं, ये सब एक जैसे नहीं है। पहले पॉइंट में गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी हैं, ये कहां मिले हैं? मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में। फिर दोनों जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है इसमें चावल है, चावल कोल्ड हवा में मिला है और महागढ़ा में मिला है। ठीक है, तो ये चावल और जो चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्ड हवा यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश में मिले हैं, चावल यानी और मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। गेहूं और दलहन, ये गुफ्रकाल यानी कि आधुनिक कश्मीर में मिले हैं, गेहूं और दलहन ये गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में मिले हैं। इसके अलावा गेहूं और दलहन, कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, ये बुर्जहोम, ये भी आधुनिक कश्मीर में मिले हैं। ठीक है, देखिए यहां पर इंसान के साथ बकरी को दफनाया गया था, यहां पर एक कब्र ऐसी मिली है बुर्जहोम में जहां पर इंसान के साथ बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, ऐसी कब्र मिली है, तो आप ये आपने लिख लिया होगा, गेहूं और दलहन, कुत्ते मवेशी भैंस, ये भेड़ बकरी, ये बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में मिले हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति लिखने में थोड़ा स्पीड धीमी है तो वीडियो को पॉज कर ले और एज इट इज ऐसा ही उतार ले, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे ये। ठीक है, अब अगला है यहां पे गेहूं हरे चने जौ भैंस बैल, ये मिले हैं चिरांद जो कि आधुनिक बिहार में है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इसमें थोड़ा डिफरेंस ये आ गया, इसमें हरे चने हैं, नहीं बाद बाकी चीजों से आप डिफर कैसे करेंगे, बिहार से आप कैसे जोड़ेंगे कि हरे चने, पिछले वाले में हरे चने कहीं नहीं है,
पिछले वाले में हरे चने नहीं है, गेहूं जौ तो है, ये हरे चने कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हरे चने ऐड हो गए हैं, तो ये है आधुनिक बिहार में, ठीक है। अब यहाँ पर ज्वार बाजरा ऐड हो गया, ज्वार बाजरा, भेड़ बकरी सुअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिले हैं ज्वार बाजरा, ठीक है। काला चना, ज्वार बाजरा, ये पेयमपल्ली, ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिले हैं। देखिए अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक दो फसल हर जगह की कहीं ना कहीं डिफरेंस है, मतलब हर जगह की एक दो फसल कहीं ना कहीं डिफर है, एक दूसरे से डिफर है। तो यही तरीका है आपको याद करने का, यानी ऐसे ही आप याद कर लेंगे। हरे चने वाला स्थान कौन सा है यहाँ पे, आधुनिक चिरान आधुनिक बिहार। ज्वार बाजरा वाला हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार बाजरा, पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप इस चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट आप डालेंगे, यानी कि अगला पॉइंट नहीं, अगली हेडिंग ही डाल दीजिए, बुर्ज होम। अगली हेडिंग है बुर्ज होम, यानी कि ये वर्तमान कश्मीर में, ये हेडिंग डाल दीजिए बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर, ब्रैकेट में वर्तमान कश्मीर में, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। यानी कि बुर्ज होम के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ही अगला पॉइंट है, इस तरह से आप लिख लेंगे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यानी कि इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है। यानी कि पुरातत्वविदों ने जो बुर्ज होम में गर्तावास मिले हैं इनमें अंदर और बाहर दोनों ही जगह आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा क्यों मिला है, ऐसा इसलिए मिला है कि जम्मू कश्मीर की, यानी कश्मीर का जो रीजन है वो ठंडा इलाका है, यानी कि वहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। तो सर्दियों के टाइम पे ये लोग आग जो है अपने अंदर गर्त में, यानी कि गर्तावास में, अपने जो इनका जो कोठरी थी उसमें जलाते होंगे, और जैसे ही हल्का गर्मी का मौसम आ जाता होगा तो खाना वगैरह पकाने के लिए ये लोग आग बाहर, यानी कि अपने गर्तावास से बाहर जलाते होंगे, ठीक है। तो आपने इसमें तीनों पॉइंट लिख लिए, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए मेहरगढ़, आपकी अगली हेडिंग है मेहरगढ़, आप अगली हेडिंग डाल दीजिए मेहरगढ़, ये आपकी हेडिंग है मेहरगढ़, ठीक है। ये अभी आपका आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, या यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है ये मेहरगढ़, ये आपने हेडिंग डाल ली। देखिए मेहरगढ़ में आप लिखेंगे पहला पॉइंट, मेहरगढ़ में यह जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यानी कि यह जो इलाका है, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इलाके रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा महत्वपूर्ण स्थान है, समतल स्थान है, ठीक है। सेकंड है, देखिए सेकंड यहां पे पॉइंट आपका ये वाला है, इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, यानी कि इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने, यानी इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जो है जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, ठीक है। इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने, यहां पे थोड़ा ऐड कर दीजिए, स्त्री पुरुषों ने, यानी स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहां पर क्या किया, यहां पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो है जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, ठीक है। अब अगला इसमें डालेंगे यहां पर, देखिए अगला इसमें जो है थर्ड पॉइंट आप डालेंगे यहां पर, थर्ड पॉइंट आपका ये है, देखिए मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ हुआ था वो लगभग 8000 साल पहले हुआ था, यानी आज से वर्तमान से लगभग 8000 साल पहले हुआ था। तो थर्ड पॉइंट आपका ये है कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया, अब चौथा पॉइंट आप डालेंगे यहां पे, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर अथवा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, ठीक है। ये आप अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, यानी मेहरगढ़ में ऐसे घर मिले हैं, यानी चौकोर घर मिले हैं, चौकोर या आयता घर मिले हैं, और प्रत्येक घर में चार कमरे या चार से ज्यादा कमरे मिले हैं जिनमें कुछ संभवतः जो भंडार, यानी कि लोग जो जो है जौ गेहूं वगैरह उगाते थे उनके भंडार के लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अपना चौथा पॉइंट आपने लिख लिया। पांचवा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट ये है यहां पर, मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है, ठीक है। मेहरगढ़ में एक कब्र के साथ, यानी कि मेहरगढ़ में एक कब्र के साथ मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है,
ठीक है, यानी बकरी को दफनाने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस समय के लोग भी ये सोचते थे कि मरने के बाद जो है जीवन होता है, नहीं मरने के बाद, जैसे आज के लोग, आज के लोगों में जो विचार व्याप्त है वो तभी का विचार व्याप्त है, कोई अलग से नहीं आया, तभी के वो विचार व्याप्त है कि मरने के बाद भी जीवन होता है। तो इसी सोच के अकॉर्डिंग वो लोग अपने जो सगे संबंधी थे उसके पास कुछ उसकी जो है चीजें रख देते थे, मृतकों के साथ कुछ सामान रख देते थे। तो उनका मत ये था कि दफनाने के बाद भी ये परलोक में उनके खाने के लिए ये गया होगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आपने लिख लिया होगा, मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। अब अगली जो आपकी हेडिंग है ये है दाओजली हेडिंग, जगह का नाम है पूरा दाओजली हेडिंग, ये जगह का पूरा नाम है, यानी अगला हेडिंग भी है और ये जगह भी है दाओजली हेडिंग। ये आप दाओजली हेडिंग आप जगह डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए दाओजली हेडिंग में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट दाओजली हेडिंग में, यह पुरास्थल जो है वो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यह पुरास्थल जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक पहाड़ी पर है, घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, यहां खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, यहां खरल और मूसल जैसे उपकरणों के जो है पत्थरों के उपकरण मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहां लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है, ये देखिए यहां पर खरल और मूसल, देखिए खरल और मूसल जो हैं, यानी आज वर्तमान में भी उपयोग किए जाते हैं, ग्रामीण परिवेश में आज भी यूज किए जाते हैं, ये तभी से चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये अभी इनका आविष्कार नहीं हुआ है, ये तभी, यानी तभी नवपाषाण काल में ही इनका आविष्कार हुआ है, आज से 8000 साल पहले, और तभी से ये चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहां लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है, थर्ड है यहां पर, थर्ड पॉइंट है यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, यहां से जेडाइट पत्थर भी मिला है, जेडाइट पत्थर भी मिला है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। ठीक है, यहां से जेडाइट पत्थर भी मिला है जो कि संभवतः चीन से आया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे डालेंगे, चौथा पॉइंट डालेंगे यहां पे, चौथा पॉइंट, इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठास्म, यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, कि औजार और बर्तन भी मिले हैं। यानी काष्ठास्म किसे कहते हैं? काष्ठास्म उसे कहते हैं जो अति प्राचीन लकड़ी होती है और जो सख्त होकर पत्थर की तरह बन जाती है, उसे काष्ठास्म बोला जाता है। तो चौथा पॉइंट यहां लिखेंगे, इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठास्म, यानी अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो आपने चार के चारों पॉइंट दाओजली हेडिंग में लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नोट डाल के आप एक चीज लिखेंगे, नोट डाल के मैं लिखवाना जरूरी समझता हूं उसे, क्योंकि काफी सारे लोगों को नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट डाल के आप लिखेंगे, देखिए नोट डाल के आप यहां लिखेंगे, आज से, यानी कि जो है आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये चीज जो है हमें नवपाषाण काल से ही मिली हुई है। ठीक है, आज आपको इस चीज का भी इतिहास मालूम पड़ा, तो ये आपने नोट में लिख लिया कि आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अब अगला है, अगला हेडिंग आप डालेंगे, देखिए अगला जो हेडिंग है ये है चताल व्यूक। ठीक है, ये चताल व्यूक एक जगह है जो कि पड़ती है तुर्की में, चताल व्यूक। यानी अगली जो आपकी हेडिंग है, अगली हेडिंग है मैं लिख दे रहा हूं, ये हेडिंग है चताल व्यूक। ठीक है, चताल व्यूक इसे आप लिख लीजिए, चताल व्यूक, और ये पड़ती है तुर्की में। ठीक है, चताल व्यूक तुर्की। ठीक है, ये जो स्थल है ये नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। ठीक है, ये नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल है, जहां सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां, ठीक है, यहां पर भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं, जहां से ये नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। ठीक है, जहां सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं, भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं। तो आपने जो चताल युग है ये भी कंप्लीट लिख लिया, कि यानी कि ये नवपाषाण युग का सबसे जो है प्रसिद्ध पुरास्थल है, यहां
सीरिया से लाया गया, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे आज समाप्त होता है। लेकिन इसके अलावा आपसे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अभी मैं दो दिन से चैप्टर नहीं ला पा रहा था, उसका टेक्निकल रीजन था। टेक्निकल रीजन ये था कि अभी हमारे यहाँ दो तीन दिन से लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मैं लेक्चर जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब आपको प्रॉपर वे में लेक्चर मिलेंगे। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा आपके मन में जो भी क्वेरीज डाउट है वो भी मेरे साथ साझा कीजिए, ताकि मैं उन सभी का निराकरण कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।